So, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to create this amazing Brazilian makeup look. And here you see she looks so amazing. So, let's start with the eyebrow definer, and I'm using Anastasia Eyebrow Definer. और जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पी ए सी ज़ीरो नाइनटी नाइन मुझे हमेशा से ब्रॉन्जी टोन ज़्यादा पसंद है टू यूज़ ऑन हर आईब्रोज बिकॉज जब भी आप इंडियन मेकअप makeup पर मेकअप्स करते हो तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि आईब्रोज़ को ब्लैक नहीं करना है योर आईब्रो शुड बी ऑलवेज़

और अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड मैंने मेरे फ्रंट एरियाज पर ब्रश को हल्का सा टेंट कर दिया है एंड यू कैन सी मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है सो यू कैन सी इट लुक्स सो परफेक्ट और बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया है हम अभी सेम तरीके से दूसरा आईब्रोज़ को भी डिफाइन करेंगे एस ऐसे मेरी मॉडल जो है मॉडल का आईब्रोज जो है उतना परफेक्ट नहीं था तो आई नीड टू क्रिएट द परफेक्ट आईब्रो एंड आप देख सकते हैं द आईब्रो एग्जैक्टली लुकिंग द सेम हेयर कलर आपका जो हेयर कलर होता है विच इज़ अ ग्रोस टू फ्रॉम योर स्केल्प वैसा ही सेम आईब्रो का कलर होना चाहिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्रॉपर आईब्रो शेपिंग एंड शेडिंग फ्रॉम योर हेयर कलर हमेशा इंडियन मेकअप के जो हेयर लुक्स होते हैं वो हमेशा से बहुत ही परफेक्टली डिफाइन होने चाहिए और आप देख सकते हैं उनके जहाँ एरिया पर हेयर नहीं है मैंने उसकी वन लाइन ऊपर से आईब्रोज़ को लिया है बिकॉज दूसरा आईब्रोज ऑलरेडी उतना बिग और लॉन्ग था एंड आई वॉन्ट हर आईब्रोज टू लुक अ प्रॉपर एंगुलर जब भी आपकी आईब्रोज एंगुलर होती है तो इंडियन शेप्स में इंडियन मेकअप लुक्स में एंगुलर आईब्रोज ज़्यादा सुंदर दिखती है एंड इट लुक्स वेरी डिफाइंड एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑल द एशियन कंट्रीज़ हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंगुलर आईब्रोज एंड इट लुक्स रियली गुड बहुत सुंदर दिखता है और आप देख सकते हो मैं सेम डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और वही एनासा डी ब्रो डार्क ब्राउन शेड से हम इसको ब्रोज को डिफाइन कर रहे हैं इट लुक्स वेरी नाइस आई एम गोइंग टू अप लिटिल बिट मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ़िलअप ज़्यादा करूँगी आप देख सकते हैं आईब्रोज में कितना प्रॉब्लम है इस आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल द आईब्रो प्रॉब्लम्स और बहुत अच्छे से हम आईब्रोज़ को डिफाइन कर सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट द प्रॉपर परफेक्ट एंड प्रोफेशनल आईब्रोज और देखिए पहले आईब्रोज कैसे दिख रहे थे एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर लुक्स रियली अमेजिंग बहुत ही सुंदर तरीके से चेंजेस दिखता है एंड आई लव क्रिएटिंग एंगुलर आई लाइनर नाओ द नेक्स्ट हमने ये आईब्रोज को क्रिएट कर दिया है तो हम दोनों आईब्रोज को सिमिलर देख लेंगे दैट वी नीड टू क्रिएट द सिमेट्रिकल फॉर द आईब्रोज और फ्रंट में आईब्रोज में हमेशा आपको क्लियर रखना है बहुत ज़्यादा ये नहीं देना है फ्रंट हमेशा आपके क्लियर होने चाहिए बिकॉज मैं भी बेस भी करने वाली हूँ सो नाओ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज टू नाइन्टी वन ब्रश फ्रॉम पी ए सी एक स्क्वेर ब्रश है दिस इज़ अ स्क्र ब्रश और कंप्लीट फ्लैट लुक है एंड द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ मैके कोर स्नो शेड ये एक ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट है मैं इसको एज अ आई बेज और एज अ हाईलाइटिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ दिस इज़ फ्रॉम मैके मैकेई इज़ अ ब्राज़ीलियन ब्रांड और कोर स्नो इसका शेड है आप इस जगह पर टाटे शेप टेप भी यूज़ कर सकते हैं क्यूटिविटी का भी यूज़ कर सकते हैं रील भी यूज़ कर सकते हैं पी के शेड भी यूज़ कर सकते हैं मैं बहुत वाइट बेस नहीं लगाती वाइल डूइंग आई बेस मैं हमेशा से ट्राई करती हूँ दैट आई बेस शुड ऑलवेज लुक टू और थ्री टोन फेयर देन योर स्किन टोन तो वो परफेक्टली मैच हो जाता है टूवर्ड्स योर फाउंडेशन एंड यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग विद द बॉक्स ब्रश एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस डिफाइन आईब्रो लुक और हमने नीचे की आईब्रो की एग्जैक्ट लाइन से वी आर कोइंग टू क्रिएट विद द आईब्रो लाइन एंड यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड वेरी नाइस थिन लाइन ऑन दी आईब्रोज और हम यही कॉर शेड को पूरे आईब्रोज में फिल करेंगे मतलब पूरी आई पर हम फिल करेंगे एंड यू कैन सी शी लुक्स सू परफेक्ट विद द आईब्रोज बिकॉज हमारी आईब्रोज जो है वो प्रॉपर ब्राउन थी ठीक है उसके बाद हमने बेस लगाया जैसे ही हमने बेस लगाया इंस्टेंटली आईब्रोज एकदम ही अप हो गई है सो येस दिस इज़ द हाउ यू नीड टू क्रिएट योर आईब्रोज़ और अभी हम यूज़ कर रहे हैं बिग ब्रश एंड द ब्रश नंबर इज़ ज़ीरो सिक्सटी फोर फ्रॉम पी ए सी ये ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं पी ए सी का जीरो सिक्सटी फोर नंबर ब्रश है विच इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट ब्रश फॉर आई बेस ब्लेंडिंग और इससे आई बेज बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और कहीं पर भी आईब्रोज के नीचे या आई लीड्स के ऊपर पैचेस नहीं रह जाते बिकॉज द ब्रश इज़ अ रेमी हेयर और ये रेमी हेयर ब्रश है तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से पूरे स्किन के ऊपर ये अच्छे से लग जाता है लुक्स रियली गुड आईबेज हमेशा आपके स्किन टोन से दो या तीन टोन फेरर होने चाहिए जब भी आप कोई भी आई आईब्रोज के नीचे कोई भी शेड लगाते हो तो आपके सारे शेड्स हमेशा फेयर होने बहुत ज़रूरी है वाइट आई बेस नहीं लगाऊँगे तो भी चलता है बट इट शुड बी योर स्किन कलर सो आप देखिए ये बहुत अच्छे से मैंने आई बेस लगा दिया है मैं इतना ही आई बेस लगाती हूँ नाव एम यूजिंग अ ब्लेंडर और ये वीथरी एल का ब्लेंडर है दिस इज़ फ्राम वीथरी एल और ये ब्लेंडर ड्राई है आपको कभी भी वेट ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है बेस बहुत बार इंडियन स्किन के ऊपर से निकल जाता है बिकॉज हमारी इंडियन स्किन के आई लिट्स के ऊपर लिटिल बिट ऑयल आता है एंड उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है आई ऑलवेज अप्लाई मैक्स टूरियो फिक्स पाउडर और ये एन सी ट्वेंटी फाइव मैक्स टूरियोफिक्स पाउडर है और इसको हम सेम ब्लेंडर से ही यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द आई लिट्स जहाँ जहाँ पर मैंने आई बेज लगाया है वहाँ वहाँ पर हम हमारे स्टूडियो फिक्स को यूज़ कर रहे हैं एंड यू कैन सी इट लुक्स वेरी नाइज एंड परफेक्ट स्टूडियो फिक्स लगाने की रीज़न बता दूँ कि आपके बेस में क्रैक्स नहीं आती दिस पैलेट इज फ्रॉम मस्ट टू हैव और रिबेरो येस गाइज दिस इज़ अगेन अ ब्रेजीलियन पैलेट और मैं ऐसे शेयरिंग्स यूज़ कर रही हूँ जो सारे शेयरिंग्स ब्राउन से लेकर लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन से लेकर मीडियम ब्राउन से लेकर डार्केस्ट ब्राउन टू वर्ड्स चॉकलेट ब्राउन जाएंगे और ये पैलेट है मस्ट टू हैव पैलेट फ्रॉम औरलिन Ribeiro. yes, and I'm using a first basic base color, जो एक base color है जो base color है और ये हम use कर रहे हैं ब्यूटी लिश का brush number टू वन नाइन और ये मैं बेस कलर से हमारा फ्रंट एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ आम क्रिएटिंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन बिकॉज मुझे हमेशा से अंडर uh, आइज जो है वो ब्राइट चाहिए होती है तो जब भी आप ब्राज़ीलियन ब्लेंडेड आई शेडोज करते हो तो हमेशा से फ्रंट आपके लाइटर कलर से स्टार्ट करने होते हैं जब भी आप इंडियन मेकअप लुक्स करते हो तभी एंड नाउ द नेक्स्ट ब्रश आम गोइंग टू चेंज और हम जो ब्रश चेंज करेंगे विल बी यूजिंग थ्री वन फाइव फ्रॉम ब्यूटी लिशियस आप देख सकते हो मैं सेम कलर को फ्रंट में बहुत अच्छे से ब्लेंड करके लगा रही हूँ बहु बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप इनर आइज़ को आपको ब्राइट करना है तो आप डार्क कलर्स को यूज़ कर देते हो तो आपको वहाँ पर बहुत ब्राइटस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं बट

आई मेकअप ये आपका गाइडलाइन है और ये बहुत अच्छे से डिफाइनली दिखता है एंड इट लुक्स रियली गुड जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपको लाइटर ब्राउन्जर टोन से मेकअप स्टार्ट करना है आपकी कोई भी पैलेट हो उसमें ये कलर्स मिल जाएंगे आपको जैसे कि कार्निवल का कलर है आपके पास कार्निवल पैलेट है उसमें बेसिक शेड है तो वो शेड आप यूज़ कर सकते हो वाइल डूइंग दिस आई मेकअप एंड यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड वेरी नाइस लाइट ब्राउन क्रीज लाइन और मैंने एकदम हल्के हाथों से क्रीज लाइन क्रिएट कर दी है नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ ब्राउन शेड जिससे पहले कलर से ये कलर थोड़ा सा डार्क है वी आर यूजिंग द सेम ब्रश फ्रॉम ब्यूटीलिश थ्री वन फाइव और आप देख सकते हैं मैं ब्राउन कलर को मेरे कॉर्नर एरिया मतलब हमारा जो आई कॉर्नर एरिया है हम उसके ऊपर से हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं एंड माय ब्रश मोशंस आर राउंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव द राउंड मोशन ऑन योर सी लाइन एरिया आपको हमेशा सी या डी लाइन में आई मेकअप को क्रिएट करने हैं ये आई मेकअप हल्का सा ब्रज़ीलियन टच होने वाला है तो आप देख सकते हो मैं हल्के से आईब्रोज के तरफ ये कलर्स को लेकर जा रही हूँ मोर ऑफ आई एम टेकिंग द कलर टूवर्ड्स माय आईब्रोज बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी, भी आप कोई भी इंटरनेशनल ब्राज़ीलियन मेकअप्स करते हो तो ब्राज़ीलियन मेकअप में आपको कंपल्सरी ऐसे मेकअप्स करने हैं जो मेकअप हल्के से ऊपर की तरफ दिखे एंड दिस ब्राउन कलर इज लुकिंग सो अमेजिंग आई एम यूजिंग द सेम ब्रश थ्री वन फाइव और आपको ये ऐसा सेम ब्रश लेना है फ्रॉम पी ए सी टू यू कैन गो विद टू नाइन नाइन दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ब्रश और ये डार्क ब्राउन कलर अभी हम यूज़ कर रहे हैं ओनली ऑन द कॉर्नर बिकॉज हमारा जो आई मेकअप है ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल ब्राइडल पर भी हम यूज़ कर सकते हैं रिसेप्शन लुक भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें ग्लिटर्स वगैरह ना लगाए और आप डायमंड्स ना लगाए तो ये सेम आई मेकअप को कॉर्नर्स ना करें और ये सेम आई मेकअप को आप ब्राज़ीलियन लुक के लिए रिसेप्शन लुक में भी दे सकते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली माई सिग्नेचर मेकअप लुक विच आई हैव लर्न फ्रॉम ब्राज़ील और ये मेरा बहुत ही फेवरेट आई मेकअप लुक है सारे मेकअप आर्टिस्ट ये आई मेकअप लुक्स करते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट आई शेडो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर बहुत अच्छे से प्लेस हो गया है ऑन दी आइज और वैन शी ओपनर आइज यू कैन सी शी लुक्स सो गुड ये ब्लेंडिंग होनी बहुत जरूरी है आपको ब्लेंडिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए नाउ द नेक्स्ट वी आर यूजिंग अर्बन डी के ब्लैक आउट आई शेडो हमने ब्रश नंबर चेंज किया है वी आर यूजिंग द ब्रश नंबर टू नाइन नाइन फ्रॉम पी ए सी हम स्लांट मोशन में ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे टॉप ऑफ माय ब्राउन अभी आपने सोचा होगा आपको दिमाग में ऐसा आया होगा क्वेश्चन कि मैम ने डायरेक्टली ब्लैक क्यों नहीं लगा दिया सो सगाइज़ ब्लैक हम डायरेक्ट नहीं लगाते ऑन द इंडियन आइज बिकॉज़ ब्लैक लगाने से बहुत ज़्यादा ब्लैक इफेक्ट दिखता है और ब्राइड्स एक्सेप्ट नहीं करती है ब्लैक ब्लैक सो मुझे ब्राउन्ज एंड ब्लैक का, का कॉम्बिनेशन चाहिए था एंड आई नीड अ लिटिल विद तड़का ऑफ ब्रेजीलियन एंड इंडियन सो आई हैटेड द स्मूक आईज ऑन द कॉर्नर्स विद द ब्राउन एंड ब्लैक कलर आप देखिए ब्लैक कलर को हम कैसे प्लेसमेंट दे रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ प्लेसमेंट ऑलवेज इन द स्ांट मोशन विद द ब्रश और आपका ब्रश जो है हमेशा से प्लेसमेंट के वक्त स्लांट होना चाहिए एंड फिर राउंड होना चाहिए और ये राउंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये राउंड मोशन को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो आईब्रोज़ के नीचे के लाइन पर ऑन द कॉर्नर ऑफ योर आईज़ वहाँ पर पैचेस आने की संभावना हो सकती है तो इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है विथ योर ब्रॉन्ज एंड यू कैन सी शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल विद दिस कलर और इसमें तो मैं सच में बोलूँ ना इंडियन मेकअप में ये लुक इतने सुंदर दिखते हैं इट लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग आई मैन टोटली लव विद दिस सो नाउ वी हैव चेंज द ब्रश मैंने ये ब्रश को चेंज कर दिया है वी आर यूजिंग अनदर ब्रश एंड द ब्रश इज थ्री वन फाइव फ्रॉम ब्यूटी लशस अभी हम हमारे ब्लैक और ब्राउन कलर को मर्ज करते जाएंगे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी ब्लैक पैच ऑन माई आई सो वॉट वी आर डूइंग वी आर ब्लेंडिंग अवर ब्लैक कलर टू वर्ड्स ब्राउन हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है जब भी आप कोई भी ऐसे कलर्स को ब्लेंड करें तो उसका जो बेसिक कलर होता है विच इज़ द ब्राउन शेड वो कलर को आपके ब्लैक और ब्राउन के साथ मर्ज करते जाइए धीरे 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 टू वर्ड्स अप एंड यू कैन सी द डिफरेंस आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पहले हमने ब्लैक लगाया तो ब्लैक लगाने से एक पैच बन गया था बट इफ़ यू सी ये पैच नहीं दिख रहा है एंड इट लुकिंग इट्स लुक लाइक अ प्रॉपर स्मोक ये एकदम स्मोक के जैसा दिख रहा है लाइक नीचे एकदम डार्क है ऊपर एकदम मीडियम है देन लाइट है एंड ऊपर एकदम लाइटेस्ट है सो दिस इज द एक्चुअल ग्रेजुएशन ऑफ योर आई शैडो आई लव टू क्रिएट दिस ग्रेजुएशन बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि मैम हमें ग्रेजुएशन में नहीं समझ में आता फ्रॉम लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट सो वी ऑलवेज़ क्रिएट दिस काइंड ऑफ आई शेडोज तो बहुत ईजी हो जाता है आपको ब्राइडल के लिए ना वी आर यूजिंग अ लाइटर ब्राउन शेड जो हमने सबसे पहले लिया था उससे हम हमारे फ्रंट को कनेक्ट करेंगे एंड वी आर कनेक्टिंग विद आवर फ्रंट शेड टू आवर बैक शेड मतलब हमारा जो इनर कॉर्नर है वो हमारे आउटर कॉर्नर के साथ बहुत अच्छे से मर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपने सेम कलर को सेम प्रोसीजर को आगे ले लिया होता तो वो प्रोसीजर हो जाती क्रीज अभी हम क्रीज नहीं कर रहे वी आर डूइंग अ ब्रेजीलियन ब्लेंडेड आई शेडो तो जब भी आप ब्रेजीलियन ब्लेंडेड आई शेडो करते हो तो एक चीज़ का ध्यान दें कि बैक आई आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर दीजिए लाइक like आपकी आउटर आई शेडोज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाने चाहिए देन गो विद द इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर ये बहुत अच्छे से मर्ज होता है और ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट ये नहीं बताते एंड आई एम यूजिंग रिचा दवे वाइट जेल लाइनर मैं रिचा दवे का वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और आप कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो यू कैन यूज़ क्यूटी ब्यूटी यू कैन यूज़ इन ग्लॉड व्हाट एवर यू हैव जस्ट कोल का भी यूज़ कर सकते हैं फैशन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अबाउट योर पॉकेट फ्रेंडली तो पॉकेट फ्रेंडली इज़ I can say fashion color and just gold. We are using 105 brush number from P A C. ये एक original hair brush है जो आपकी gel liner को बहुत अच्छे से blend करेगा और मुझे cut crease create नहीं करना है तो मैं uneven way में मेरा gel liner लगा रही हूँ. I'm creating a uneven way और आप देख सकते हो कि जो हमारा gel liner है वो एक side पे लग गया है और अभी हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं नाउ आई वी आर गोइंग टू ब्लेंड विद द सेम ब्रश और आप देखिए मैं इनर एंड आउटर दो वर्जन में इसको क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार क्या होता है कि हम जब भी वाइट व्हाइट जलाना लगाते हैं तो वाइट जलाना कटक्रीज की लाइन में लग जाता है तो हमें कटक्रीज नहीं बनानी है दिस इज़ कम्प्लीटली अ ब्रजीलियन ब्लेंडेड आई शेडो ये करने के लिए आपको ओरिजिनल हेयर ब्रश यूज़ करना है एंड द ब्रश इज़ फ्राम पी ए सी वन जीरो फ़ाइव कोई भी ब्रश ले सकते हैं एनी ब्रश यू कैन टेक और मैं आप देखिए मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यू कैन यूज़ योर फिंगर ऑल्सो वाइल्ड ब्लेंडिंग दिस इनर कॉर्नर्स में लाइनिंग्स नहीं दिखनी चाहिए इसके लिए हमें इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है मैंने आज आई मेकअप पहले किया है और बाद में मैं में मेरा बेस करने वाली हूँ सो so आप ये आई मेकअप को बहुत अच्छी तरह से देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा हाउ डू यू लाइक दिस आई मेकअप एंड दिस इज़ अ फेरे रुशी फोटोजेनिक ग्लेटर हाई लाइटर येस दिस इज द लिक्विड हाई लाइटर फ्राम फेरे रुशी एंड द शेड आई एम गोइंग टू यूज़ इज जीरो वन ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल हाई लाइटर सबसे पहले फेरे रुशी ने ऐसा लिक्विड हाईलाइटर निकाला था एंड दिस इज कंप्लीटली अ लिक्विड एंड वेरी नाइस बहुत ही अमेजिंग है एंड अगेन आईम यूजिंग द सेम ब्रश वन जीरो फाइव फ्रॉम पी ए सी और आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ऑन माई एंड एंड स्लोली वी आर ब्लेंडिंग ऑन माई आईज और आप देखिए मैं पूरे आईज में लगा रही हूँ ऑलमोस्ट ऑन एटी परसेंट ऑफ आई मेकअप मैंने कवर कर दिया है विद दिस हाईलाइटर जब भी, भी आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाते हो तो उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगाना बहुत ही जरूरी है इट्स अनिवार्य इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ पाउडर प्रोडक्ट टॉप ऑफ योर क्रीम प्रोडक्ट्स अदरवाइज यू विल गेट द क्रीज़ लाइन ऑन योर आई मेकअप एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर फ्राम एशिया कंट्री और इफ्यर फ्राम इंडिया यू शूड ऑलवेज यूज़ अ पाउडर प्रोडक्ट टॉप ऑफ योर क्रीम प्रोडक्ट जब भी आप इंडियन मेकअप पर इंडियन आई मेकअप पर काम करते हो तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट को लगाना अनिवार्य है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाव यू कैन सी द शाइन ब्यूटिफुल टेंटेड होलोग्राफिक शाइन आपको दिख रही होगी और मेरा आई मेकअप तो देखे आई हाय मैं इस आई मेकअप पर तो मर जाओ आई एम एन लव दिस आई मेकअप और आप देखिए मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इसको एंड इट लुक्स रियली नाइज एंड वेरी ब्रैंड एंड वेरी ब्यूटिफुली कवर्ड वाओ वी आर यूजिंग दिस वेरेशी होल्डोग्राफिक हाई लाइटर येस गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट हाई लाइटर इट्स फ्रॉम फेरे रुशी आप इस जगह पर एम एम एस का मर्क्यूरी पैलेट भी यूज़ कर सकते हो शॉपरेल का पैलेट भी यूज़ कर सकते हो यू कैन यूज़ एनी सैटन पैलेट और ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वन ज़ीरो फाइव फ्राम पी एसी मुझे हमेशा से औरिजिनल है ब्रशेज़ यूज़ करने बहुत ज़्यादा पसंद है सो आई लव यूजिंग दोज ब्रशेज फॉर माई पाउडर एंड माई लिक्विड प्रोडक्ट्स एंड हमेशा आपको जब भी कोई भी क्रीम प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको कंपलसरी पाउडर प्रोडक्ट को लगाना अनिवार्य है नाउ वी आर यूजिंग अ चॉकलेट ब्राउन कलर फ्रॉम मस्ट टू हैव पैलेट एंड द ब्रश वी आर यूजिंग थ्री वन फाइव फ्रॉम ब्यूटी लिश जब भी आप कोई भी हाईलाइटिंग शेड्स और मैटिफाइंग शेड्स यूज करते हो दो कलर आई शेडोज यूज़ कर रहे हो ब्लेंडेड आई शेडोज यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान बहुत ही देना है कि आपके पट्टे नहीं दिखने चाहिए येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंडेड आई शेरो टूवर्ड्स दर हाईलाइटिंग सेटिंग शेड एंड टू वर्ड्स योर मैटिफाइंग शेड आप देखिए मेरा सैटन कितनी अच्छे से लग गया है माई सैटन इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल टूवर्ड्स माई आईज और अभी मैटिफाइंग लुक लगाने के बाद मेरा आई मेकअप का लुक पूरा चेंज हो गया है इट लुक्स रियली अमेजिंग आप देखिए धीरे 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 मैं इसको बिल्ड करते जा रही हूँ एंड वी हैव यूज अल ब्लैक टूवर्ड्स माई कॉर्नर और हम यूज़ कर रहे हैं इजा बेला ग्लिटर्स हम इन्ही ने ये ऐजाबेला के ग्लिटर्स यूज़ किए बिकॉज मुझे थोड़ा सा ब्रेज़ीलियन टच देना था तो मुझे मैंने बड़े पार्टिकल्स ग्लिटर्स यूज़ किए हैं एंड दिस इज़ अ रेम्बो ब्रजीलियन ग्लिटर फ्राम एजाबेला ये सेम ग्लेटर्स अभी बहुत सारी ब्रांड्स में आ गए हैं, लाइक आइकॉनिक एल आई टी एंड देर आर सो मैनी कंपनी हु दिस काइंड ऑफ आई मेकअप एंड आई ग्लेटर्स हमने ग्लू जो यूज़ किया है दैट वी यूज फ्रॉम एम एम एस माई मेकअप स्टोरी और आप देख सकते हो मुझे पहले से ही ग्लिटर बहुत पसंद है आई लव ग्लिटर्स और जब इसे ब्राज़ीलियन मेकअप्स की ट्रेंड बढ़ती जा रही है तभी से लोग बड़े ग्लिटर्स भी यूज़ कर रहे हैं एंड आई लव यूजिंग दिस काइंड ऑफ ग्लिटर्स आप देखिए मैं बहुत आराम से हल्के हाथों से धीरे 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 ग्लिटर्स को प्लेसमेंट दे रही हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी ग्लिटर्स को प्लेसमेंट देते हो तो चेंज होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से आपके ग्लिटर्स प्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है एंड हीयर यू सी द फाइनल लुक ऑफ़ द ग्लिटर और मुझे ग्लिटर हमेशा से बड़े पसंद है मुझे बिग ग्लिटर पार्टिकल ग्लिटर्स बहुत पसंद है आप देखिए कितना सुंदर सिल्वर एंड ब्लैक शेडिंग लग रही है यही जगह पर हमने इसको ब्लैक करके रखा होता तो इतना सुंदर नहीं लगता सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई प्रॉपर ब्रॉन्ज एंड ब्लैक शेडिंग अभी हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम पी ए सी वन ज़ीरो फाइव एन एम एम एस का ग्लू यूज़ कर रहे हैं अब देखिए ये प्रोडक्ट लगाते वक्त भी मैं ओरिजिनल हेयर ब्रश यूज़ कर रही हूँ विच इज़ काइंड ऑफ रेमी हेयर और ये थोड़ा सा फ्लैट ब्रश है बट थोड़ा सा पुफी भी है और जब भी ग्लिटर लगाते हो ग्लिटर ग्लू लगाते हो तो हमेशा ध्यान दें जितना एरिया में आपको लगाना है वहाँ पे आपको टैप 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 करके लगाना है मुझे ग्लिटर ऐसे लगाना था कि पूरी आइज़ में वो एकदम से शाइन दिखे राइट आई वॉन्ट अ प्रॉपर ब्लजीरियन लुक इसके लिए मैंने ऐसे ग्लिटर को लगाया है नॉर्मली अभी जो ट्रेंड चल रही है वो हम एकदम हल्के हाथों से थोड़ा 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 ग्लिटर लगाते हैं बट इन दिस आई मेकअप ये बहुत सुंदर दिखता है इसके लिए हमने ऐसे आई मेकअप को ग्लिटर को क्रिएट किया है कमेंट सेक्शन में श्योर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है ये सिल्वर आई मेकअप अभी बहुत ट्रेंड में है एवरीबडी लव्स डूइंग सिल्वर एंड ब्लैक ब्रॉन्स स्मोकी आइज़ एंड विद लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ग्लिटर्स येस और ये सिल्वर रेम्बो ग्लिटर्स है फ्राम इजाबेला इस जगह पर आप प्रोकलिन शेड भी यूज़ कर सकते हो फ्राम एल आई टी इट इज़ वेरी गुड आप आइकॉनिक के शेड्स भी यूज कर सकते हो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस और सी इट्स अप टू यू आपको ग्लिटर्स आपके पास इजाबेला के ग्लिटर नहीं है आपके पास इंटरनेशनल ग्लिटर नहीं है ब्राजीलियन टच वाले ग्लिटर्स नहीं है तो आप बड़े और छोटे वाले ग्लिटर्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हो हम तो इंडियन हैं यार जुगाड़ तो सब जगह पर आना चाहिए नेक्स्ट वी आर यूजिंग इन ग्लॉड जेल लाइनर एंड द नंबर इज सेवेंटी सेवन आपको इन लॉट नहीं यूज़ करना है आपको कोई पॉकेट फ्रेंडली यूज़ करना है सो यू कैन गो विद जस्ट गोल्ड यू कैन गो विद फैशन कलर यू कैन इवन गो विद शॉपरेल जेल लाइनर आइकॉनिक का जेल लाइनर भी बहुत अच्छा है यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो इट्स अप टू यू आपके पॉकेट uh, के हिसाब से इफ इट्स यू नीड अ पॉकेट फ्रेंडली आई लाइनर देन यू कैन गो विद जस्ट गोल्ड फैशन कलर दोज आर लाइक कम्प्लीटली पॉकेट फ्रेंडली एन आवे अ क्यूटी ब्यूटी और जो हम ब्रश यूज़ करने वाले हैं अभी लाइनर के लिए दैट ब्रश आई एम गोइंग टू यूज़ फ्रॉम पी ए सी एंड द ब्रश नंबर इज़ वन ट्वेंटी सिक्स वन टू सिक्स नंबर ब्रश मैं हमेशा से एक चीज़ का ध्यान देती हूँ जब भी मैं लाइनर करूँ तो मैं लाइनर के अंदर डूरा लाइन को मिक्स करती हूँ दूरा लाइन से लाइनर बहुत स्मूथ हो जाती है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल और आप देखिए मैं क्रॉस ब्लेंडेड आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ ओ माई गॉड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस आई लाइनर और आप देख सकते हो इन अ वन स्वाइप आई हैव क्रिएटेड दिस सुपर डूपर आई लाइनर और इसको हम क्रॉस ब्लेंडेड आई लाइनर भी कहते हैं इसको हम क्रॉस स्मोक आई लाइनर भी कहते हैं इसको हम एंगुलर क्रॉस लाइनर भी कहते हैं इसको हम ब्राज़ीलियन ब्लेंडेड आई लाइनर भी कहते हैं देर आर सो मैनी वर्ड्स एंड देर आर सो मैनी थिंग्स फॉर दिस आई लाइनर बट वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट आई लाइनर जब भी हमने ये ब्राज़ीलियन मेकअप सीखा था तभी दैट वॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू नो क्रॉस लाइनर लगाना है ब्लैक स्मोक क्रिएट करना है और स्मोक क्रिएट करने के बाद आप इसको हल्के हाथों से अपने ब्लैक कलर के साथ मोर्च कर दीजिए और ये देखिए लाइनर तो इतना सुंदर क्रिएट हुआ है ओ माई गॉड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस लाइनर एंड दिस लुक्स सुपरली अमेजिंग जब भी ये लाइनर को आपको करना है क्रिएट इट शुड बी ऑलवेज इन द एंगुलर शेप ये थोड़ा सा एंगुलर जाएगा क्रॉस जाएगा और पीछे कोई भी लाइंस को क्रिएट नहीं करना है बिकॉज हम वो लाइन को ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू ब्लेंड द लाइनर द सेम आई लाइनर वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑन द अनदर आइज आल्सो बट हम पहले ये आई मेकअप को कम्प्लीट करेंगे विल बी फिनिशिंग दी आई मेकअप नाउ वी आर यूजिंग थ्री वन फाइव ब्रश नंबर और हम हल्के हाथों से हमारी ब्लैक लाइनर को ब्लेंड करेंगे टूवर्ड अप और आप देखिए मैं सिर्फ ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही हूँ एम गोइंग टूवर्ड क्रॉस एंगुलर थिंग और नाव वी आर यूजिंग ब्लैक आई शेडो बिकॉज जब भी कोई भी जेल लाइनर यूज़ करते हो तो उसके ऊपर आपको ब्लैक आई शेडो लगाना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी ग्लिटर ऐसे आ जाता है तो यूज़ अ गुड नेल आपके नेल अच्छे होते हैं तो ईजिली ग्लिटर निकल जाता है जैसे मेरे नेल्स इतने ब्यूटिफुल है येस गाइज सो आई ऑलवेज कीप माई नेल्स एंड आई लव डूइंग अ प्रॉपर नेल्स टू माई हैंड्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप जब भी मेकअप करते हो तो आपके नेल्स होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि नेल्स होने चाहिए इट लुक्स मोर नाइसर और जब भी आप मेकअप करते हो तो इतने सुंदरली दिखने चाहिए देखिए देखिए मेरे हाथ कितने सुंदर दिख रहे हैं सो आई एम यूजिंग दिस ब्लैक आई शेडो टॉप ऑफ ऑल द लाइनर लाइन मैं पूरी लाइनर लाइन line के ऊपर मैंने ब्लैक आई शेडो को लगा दिया है इट गिव्स यू अमेजिंग वेलविटी ब्लैक टच जब भी आप ये यूज़ करते हो ना वी आर यूजिंग ब्रॉन्ज uh, कलर मैं ब्रॉन्ज कलर को यूज़ करूँगी और मेरे ब्लैक को मेरे आई शेडो के कलर के साथ मैं मर्ज कर रही हूँ आई एम डाइल्यूटिंग द ब्लैक कलर टूवर्ड्स द ब्राउन आप देखिए मैंने पहले ब्लैक कलर को लगाया और उसके बाद हम ब्राउन कलर को मेरे आई शेडो के कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ एंड वी आर यूजिंग अ डार्क ब्राउन शेड टूवर्ड्स आउटर कॉर्नर और उसको मैं मेरे आई शेडो के साथ ब्लेंड करते जाऊँगी टूअर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड एंड दिस लुक्स रियली गुड और ये बहुत अच्छी टेक्निक है इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट ब्लैक यू कैन कीप इट ब्लैक इट्स अप टू योर चॉइस एंड योर क्लाइंट चॉइस कि आपको इसको ब्लैक रखना है आप ब्लैक रखें आपको इसको ब्राउन करना है हल्का सा तो आप ब्राउन कर दीजिए बट राइट नाउ इट्स माई चॉइस दैट आई रियली टू रियल्टू क्रिएट ब्लैक स्मोक इफेक्ट लुक तो मैं ब्रॉन्स के साथ इसको अब ब्लेंड कर रही हूँ एंड इट लुक्स सो अमेजिंग एंड सो परफेक्ट यू कैन सी द आई मेकअप लुक्स वेरी नाइस ये विदाउट लाइनर भी इतना सुंदर दिख रहा है एंड विद लाइनर भी इतना सुंदर दिख रहा है आपको इसको विदाउट लाइनर भी रखना है तो यू कैन कीप इट एज अ विदाउट लाइनर आप इतना बड़ा लाइनर ना करें थोड़ा सा छोटा लाइनर करें और पतला लाइनर करने के बाद आप बेसिक आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं सेम टेक्निक आई मेकअप को आपको प्रॉपरली मतलब आपका आई मेकअप प्रॉपर सूख जाना चाहिए आपके ग्लेटर्स प्रॉपर सूख जाने चाहिए आपका ग्लू प्रॉपर सूखा होना होना बहुत जरूरी है इट शुड बी ऑलवेज ड्राई एंड द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंक्रोनाइजेशन येस गाइज आपको आपका लाइनर सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है आप देखिए मेरा लाइनर क्या सुंदर दिख रहा है और दोनों तरफ से आई लाइनर इट्स लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट and it's looking सुपर oh my god कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लाइनर की टेक्निक कैसे लगी नेक्स्ट हम कुछ अलग कुछ नया कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो हमें बताइएगा कि आपको ये मेकअप अच्छा लगा है आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो हम हमारे नेक्स्ट आई में या नेक्स्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर हम क्या लेकर आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या देखना है वो डू वो सी इन दिस नेक्स्ट वीडियो और आप देखिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे से हो गया है ग्लिटर इज़ लुकिंग परफेक्टली ऑल लाइट एवरीथिंग इज़ प्लेस्ड सो वेल एंड सो परफेक्ट जो हमने ये वाले आइज पर किया था राइट आइज पे वही सेम हम लेफ्ट आइज पर भी कर रहे हैं वी आर ब्लेंडिंग आवर जेल लाइनर सिर्फ जेल लाइनर को ब्लेंड ही नहीं करना है उसकी लाइन को भी ब्रेक करना है टू वर्ड्स ब्लैक और नाउ वी आर यूजिंग अ ब्लैक आई शेडो हम ब्लैक आई शेडो को यूज़ करेंगे ऑन द जेल लाइनर और यहाँ पर हल्का सा जो ग्लिटर लग गया है उसको हम रिमूव कर रहे हैं आप देखिए ब्लैक लगाने के बाद जो आई मेकअप का लुक है वो पूरा चेंज हो गया है इट कम्प्लीटली चेंज द आई मेकअप एंड इट इज़ गिविंग अ प्रॉपर ग्लैमर टू योर आईज एंड इट्स लुकिंग सुपरली डुपरली सेक्सी वाला आई शैरोस गाइज आई इन लव एंड टोटली ऑब्स नाव वी आर यूजिंग अगेन अ ब्राउन शेड हम ब्राउन शेड को यूज कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ थ्री वन फाइव ब्रश नंबर फ्राम ब्यूटी लिशियस और हम सेम टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज ऑन द अन अदर साइड और इस मेकअप को पूरा देखने के लिए आपको वेट करना है वॉम वन मोर टू थ्री फोर फाइव डेज येस गाई सो आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट फुल मेकअप टूटोरियल इन द नेक्स्ट video so stay tuned!